आइए देखते हैं पहली नीति, घेरा डालो नीति या रिंग फेंस नीति 1765 to 1813। वॉरेन हेस्टिंग्स की ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय में यह पद समय में पद संभाला जब ब्रिटिश मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे। उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई। इस प्रकार घेरे की नीति में शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। वस्तुतः बैले जली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। यानी कि रिंग फेंस की नीति को हम एक प्रकार से सहायक संधि नीति ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शासकों को या फिर छोटे राज्यों को लालच देकर उन्हें कंपनी के अधीनस्थ लाना था। यहाँ पर उनका प्रशासन राजाओं के पास ही था। यहाँ पर अंग्रेज केवल उनके ऊपर अपनी नीतियों को लाद कर उनसे कर वसूल करते थे, बाकी वे किसी भी प्रकार से उन राजाओं की सहायता नहीं करते थे। उन्हें केवल ये डर दिखाते थे कि भाई तुम पर ये बड़ा वाला राजा आक्रमण करने वाला है, इससे तुम्हें सिर्फ हम बचा सकते हैं। तुम हमारी बात मान लो, हमारी ये 5 शर्तें मान लो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन कौन सी शर्त? पहला, एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी कि एक राजदूत तुम्हारे पास रहेगा जो तुम्हारे सभी नीतियों का निर्माण करेगा और तुम्हें समझाएगा कि कैसे उससे बचना है। और दूसरा, तुम हमारी मर्जी के बगैर किसी दूसरे राजा से संधि या फिर बातचीत नहीं करोगे। तीसरा, तुम किसी भी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकर नहीं रखोगे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि टीपू सुल्तान जैसे और फिर जो रणजीत सिंह हुए, राजा रणजीत सिंह, वे लोग फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाते थे, जिसके कारण वे बहुत मजबूत हो चुके थे। तो उन्होंने यहाँ पर ये दाव खेला। और फिर चौथा, तुम अपना एक भूभाग हमें दोगे ताकि उसका जो कर रहेगा उस कर के जरिए हम उस सेना का भरण पोषण कर सके जो एक रेजिमेंट हम तुम्हें देने वाले हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। भैया, हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। इस तरह से कहते थे। और होता क्या था, राज्यों के पास ना तो उनकी कोई विदेश नीति बसती थी और ना ही कोई किसी प्रकार की उनकी स्वतंत्रता रह जाती थी। वे केवल कठपुतली बनकर रह जाते थे। यही रिंग फेंस की नीति कही गई और इसे ही हम दूसरे रूप में इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे रूप में हम इसे कहते हैं सहायक संधि। कंपनी की इस नीति का आधार अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इस नीति का निर्माता वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य देशी रियासतों से संबंध बढ़ाकर इन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में रखने की थी। इलाहाबाद की संधि से नीति की शुरुआत होती है। इस नीति में अंग्रेजों ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि देखते हैं। इसमें अपराध को सीमावर्ती राज्य बफर स्टेट के रूप में मान्यता मिली। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व देते हुए अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया, ताकि मराठों व अफगानों से स्वयं की रक्षा कर सकें। रिंग फेंस के काल में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से संबंध बराबरी पर आधारित होते थे। कंपनी देशी रियासतों से होने वाली संधियों में सर्वोच्च शक्ति होने का दावा नहीं करती थी। संधियों में दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाने का भी प्रावधान किया गया था और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का विश्वास दिलाया जाता था। हालांकि इस अहस्तक्षेप की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। जहां कंपनी को आवश्यकता होती थी, तत्कालीन गवर्नर के माध्यम से कंपनी देशी राज्यों में हस्तक्षेप कर देती थी। कहने का ये मतलब है कि इस नीति के जरिए, क्योंकि अभी इस समय अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए थे, अभी ही प्लासी और बक्सर की युद्ध जीतकर उनके पास बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांत आए थे, उनके पास अभी भी मराठा और सिख जैसी बड़ी शक्तियाँ सामने थी, इसलिए वे ज़्यादा
लालच नहीं करना चाहते थे, इसलिए जिससे भी संधि करते थे तो ना तो वे नुकसान सहते थे और ना ही सामने वाले का नुकसान होने देते थे। इसलिए राजा इनकी संधियों में फंसते चले जाते थे। इन्होंने अवध के साथ इसलिए उदारता दिखाई क्योंकि अगर वे अवध के साथ उदारता नहीं दिखाते तो हो सकता था कि अवध या तो अफगानों से मिलकर, मराठों से मिलकर या सिखों से मिलकर इनके ऊपर आक्रमण कर देता, क्योंकि तीनों के बीच में अवध बसा हुआ था। इसीलिए इन्होंने अवध के साथ उदारता दिखाई और उसे बनाए रखा अपने साथ। आगे देखें तो फिर इन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे राज्य थे जिनके ऊपर कोई माई बाप नहीं था, जिनको बचाने कोई आने वाला नहीं था और राजा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तो वहाँ पर इन्होंने हस्तक्षेप किया क्योंकि इन्हें पता था इनके ऊपर हम कुछ भी करें कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। लॉर्ड बैलेजली की सहायक संधि भी इसी का विस्तार थी। इसमें साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को महत्व दिया। इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से निर्भर कर दिया। लॉर्ड बैलेजली इस संधि का आविष्कारक नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग डुप्ले द्वारा किया गया था, यद्यपि इसका व्यापक प्रयोग लॉर्ड बैलेजली द्वारा किया गया। इसलिए हम मानते हैं कि बैलेजली ने ही सहायक संधि प्रारंभ किया था, हालांकि डुप्ले पहले ही इस तरह की संधि के जरिए हाथ साफ करने की कोशिश कर चुका था। 1798 में लॉर्ड बैलेजली जनरल बनकर आया। उसने अनुभव किया कि कंपनी सरकार की भारतीय रियासत में हस्तक्षेप न करने की नीति सही नहीं है। देश में उस समय कोई एक शक्तिशाली रियासत नहीं थी। बैलेजली ने निर्णय किया कि ऐसे समय में कंपनी को देश में एक प्रभुत्व शक्तिशाली बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु बैलेजली ने देशी रियासतों के साथ संबंध कायम करने हेतु सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। दोस्तों, इससे पहले इसके बाद में एक जॉर्ज बॉर्लो नाम का गवर्नर आया। वह ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पूरी तरह से अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। बहुत कम गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, बाकी सभी हस्तक्षेप करने में विश्वास करते थे। यहाँ पर हम सहायक संधि की मुख्य शर्तें जानते हैं। पहला, संधि करने वाले राजा को अपने यहाँ अंग्रेज सेना रखनी होगी जिसका खर्च राजा स्वयं वहन करेगा। दूसरा, राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा। तीसरा, कंपनी के सैनिकों के खर्च का भार स्वयं उस राजा को ही वहन करना होगा। इसके लिए उसे अपनी भूमि का एक भाग कंपनी के सुपुर्द करना पड़ता था। वह भाग इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी आय से कंपनी उस सेना का खर्च निकाल सके जो उसके यहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए है। चौथा, उस समय के उस राज्य के वहाँ संबंधों यानी विदेश नीति पर कंपनी की सरकार का निर्णय होगा, नियंत्रण होगा। पांचवा, यदि संरक्षित राज्यों में आपस में कोई विवाद उठ खड़ा होगा तो उसके निपटारे के लिए कंपनी की सरकार पंच का काम करेगी। और छठवा, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखेंगे। सातवा, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में देखते हैं। हैदराबाद 1798 में भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम बना। इसके बाद 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, नवंबर 1801 में अवध, दिसंबर 1802 में पेशवा, दिसंबर 1803 में बराठ के भोसले, फरवरी 1804 में सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर जैसी रियासतों ने आगे चलकर सहायक संधि को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सुरक्षित एवं स्वतंत्र देशी रियासतों की आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई। इस प्रकार से लॉर्ड बैलेजली ने कंपनी सरकार की अहस्तक्षेप की नीति को आंशिक रूप से त्याग कर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया।